आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं बाबू जी, आप और दो ही आदमी जीत पाएंगे इस विधानसभा क्षेत्र से, आप और श्री प्रेम शंकर वर्मा, बाकी कोई ऐसे नहीं है। आप हाँ 100% आज ही ले लो, आज ही ले लो, तो टेंशन लेने को नहीं बाबू जी, आपके साथ पूरे कार्यकर्ता है सीपी मालवा के, आपका काम बोल रहे हैं आप, तो निर्दलीय लड़ो बाबू जी, दिखाएंगे अपन भी पूरी उनको। मैं चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा हूँ तो संभव नहीं, जिस आदमी की जिंदगी भर संघर्ष किया, जिंदगी भर फील्ड में काम किया, उसके लिए संभव नहीं है कि मैं चुपचाप घुट घुट के मरता रहूं, ये नहीं हो सकता। मरूंगा तो मैदान जग में मरूंगा। बस वो अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है, आपका एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबू जी मैंने आपके साथ है, मैंने आपको फोन लगाई थी कि मुझे आप आदेश करें और मैं महिलाएं लेके आ रही हूँ अपनी गाड़ी, चार गाड़ी आपके करना है बाबू जी, आपने रोक दिया इस क्षेत्र में कि आपके अलावा कोई नहीं जीत पाएगा। बाबू जी संघर्ष करो, आप फार्म भरिए बाबू जी, निर्दलीय पूरी आपके साथ है पूरे कार्यकर्ता। आप मुझे सिवनी मालवा से चुनाव नहीं लड़ना है, ये पार्टी का फैसला हो चुका है। आधा घंटा मेरी बात हुई हमारी सभी समितियों के सदस्य, जिसमें सीएम साहब भी थे, प्रधान साहब जो ओडिशा के केंद्रीय मंत्री हैं वो थे, शैल मुद्दे जी थे, राकेश सिंह जी थे, सुहास भगत जी थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, तमाम हमारे जो निर्णय करने वाले नेता हैं उनके बीच में बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस बार कोई नाम सुझा दीजिए, हम आपको नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ये बताइए कि क्यों नहीं दे पाएंगे। दूसरा ये मैंने कहा कि भाई अच्छी वाली सीट को हारने के खतरे में क्यों डाल रहे हो, एक एक सीट का महत्व होता है, सीटें जीतोगे तो सरकार बनाओगे और नहीं जीतोगे तो सरकार से बाहर हो जाओगे। मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा, सिवनी मालवा को सबके सहयोग से ऐसा बना दिया है कि हारने का सवाल नहीं पैदा होता। उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो ठीक है, हम भी जाते हैं, कोई युवा आगे आए, कुछ नए आए आगे, तो मैंने कहा भाई एक सीट से तो कोई युवा नहीं हो जाता, 230 सीटें हैं, आप दे दो ना 200 सीटें युवाओं को, कौन रोक रहा है। और मैंने कहा लोग हारते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, सीटें खाली होती रहती है, दे दो युवाओं को, ये तो कोई आधार नहीं है, सारा काम सिवनी मालवा से ही होगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया है। नाम बताइए, उन्होंने बता दिया नाम, मैंने कहा ठीक है ऐसा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये कहेंगे हमें तो पूछा था आपने बताया नहीं। तो ये फैसला हो गया कि हम मुझे नहीं लड़ना है, ठीक है मैं मान लिया। लेकिन जो बात आपको बताना चाहता हूं, एक प्रार्थना मैं जो करता हूं, मेरे मन में किस तरह के भाव आते हैं वो आज आपको बताना चाहता हूं। परिचय तो हमारा आपका बहुत लंबा है, लेकिन उसके बाद भी शायद आप मुझे पहचान ना पाए। मैं भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करता हूं कि दे शिवा भर मोहे एहे शुभ कर्मन ते कबो न टरो।
देश सेवा बर मोहे शुभ कर्म ते कमो न डरो डरो और इसे अरे मतलब सामने वाला जो होता है न डरो और इसे जब जाए डरो निश्चय कर अपनी जीत। तो इतना आत्मविश्वास मुझ में है। साथ में मैं ये भी कहता हूं हर सिखो अपने ही मन को ये लालच ही मन में उचरो जब आओ भी ओट निधान बने अति ही रण में तब जूझ भाई संघर्ष से पीछे नहीं हटूं का चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए चाहे कुर्बानी भी देनी पड़ी मुझे मंजूर है। तो पार्टी के फैसले के बाद मैं बड़े धर्म संकट में आ गया कि पार्टी ने ये हालात पैदा कर दिए। मैं 58 साल से लगातार काम कर रहा हूं और जितनी मेहनत पहले मैंने अपने जवानी के दौर में की होगी शायद उतनी नहीं कर पा रहा। अभी साइकिलों से जाते थे खाना भी नसीब नहीं होता था लेकिन पार्टी का काम करते थे गांव वहां जाते थे। तो आज मैं अगर शिवडी मालवा से चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरा संपर्क टूट गया लेकिन कोई कारण बनता है तभी आना पड़ता है। आज मैं विधायक हूं तो बार बार आपके बीच में आता हूं कल मैं विधायक नहीं रहूंगा तो आपसे मेरा संपर्क टूट जाएगा। कोई कितना भी कहे नहीं हम तो आते रहेंगे अरे भाई आप करोगे क्या संबंध तो टूट जाएगा। और होशंगाबाद इटारसी में जहां का मैं निवासी हूं और वहां से मेरा संबंध टूट चुका है 20 साल पहले सही बाबू। तो अब मैं चुपचाप बैठा रहूं बस मन में घुड़ता रहूं और घुड़ घुड़ के मरता रहूं तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। और कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ किसी ने आपने चर्चा की होगी मैं एक बात हमेशा कहता हूं टिकट मांगने का अधिकार सबको है मेरी अकेले की बबूती है ऐसा नहीं मानता मैं। हमारे कार्यकर्ता हैं वर्षों से काम कर रहे हैं उनका ये अधिकार है कि वो टिकट मांगे। मैं केवल इतनी अपेक्षा करता हूं उनसे भी कहता हूं कि मांगने का अधिकार आपको है लेकिन पार्टी एक बार फैसला कर ले तो फिर उसको मान्य करने का जिम्मेदारी भी आपकी है पार्टी का काम करें। और मैंने हमेशा कुछ आदर्श स्थापित करने की कोशिश की। मैंने कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से सही दिशा देने का प्रयास किया और मुझे गर्व इस बात का कि कुछ हद तक मैं सफल भी हुआ। मैं जानता हूं कई नेताओं को भी मैं जानता हूं कई विधायकों को भी जो सिवा गलत धंधे के करने के और कोई काम नहीं करते मैं उनको नेता नहीं मानता। तो नेता चोरी कर रहा है कुछ कर रहा है हमको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी जनता के सामने कुछ आदर्श रखने पड़ेंगे और उससे मेरी इज्जत तो बढ़ेगी बढ़ेगी लेकिन पार्टी का भी नाम ऊंचा होता है। इस पार्टी में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं इन आदर्शों पर हमेशा कायम रखना। अब जैसा मैंने कहा कि पार्टी का फैसला है मैंने मान लिया बात खत्म हो गई